Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. Hello friends, assalamualaikum. Please subscribe my channel and hit the bell icon button. If you love the video, do subscribe. आज मैं आप लोगों से अपने व्लॉग में शेयर करूंगी अपने दिन भर की रूटीन. सैटरडे दिन के दिन जो है ये बच्चे स्कूल से आए थे तो मैंने बच्चों को पराठा बना कर दिया था. ये कीमा थोड़ा सा बचा हुआ था और इसमें फिर मैंने अंडा और प्याज क्रश करके तो फिर ये पराठे पर लगा कर तो पराठे और कीमा पराठे और अंडे बना कर दिए थे बच्चों को. तो उसके बाद बच्चों ने थोड़ी देर रेस्ट किया तो फिर अचानक से जो है बारिश शुरू हो गई थी. ये बच्चों ने इंजॉय किया है सैटरडे के दिन ना, तो बच्चों ने बहुत इंजॉय किया. बारिश बहुत तेज़ की तूफानी बारिश थी और बच्चों ने खूब इंजॉय किया. पहले ओले पढ़ते रहे हैं, फिर उसके बाद जो है बच्चों ने जब देखा है बारिश बहुत अच्छी और तेज़ हो रही है तो फिर क्योंकि परसों बच्चों ने थोड़ा सा नहाना शुरू किया तो बारिश जो है ना एकदम से रुक गई ना, तो वो बीच में ही सब कुछ बच्चों ने जो है ना छोड़ दिया था. आज ये था कि मुसलसल तकरीबन सैटरडे वाले दिन बारिश मुसलसल होती रही है तो इस्लामाबाद में तो बहुत अच्छा दिन था. खूबसूरत बहुत खूबसूरत मौसम हो गया था और बच्चों ने भी इंजॉय किया और हम सब घर वालों ने भी इंजॉय किया था. अच्छा, इधर जो है महरीम ने और असद ने बहुत नहाते नहाते असद को तो सर्दी लगना शुरू हो गई ना, तो कहता है मामा मुझे सर्दी लग रही है. यहाँ पे देखें असद का मूड, असद कहते यहाँ पे मुझे असद कहता है मामा मुझे सर्दी लग रही है. मैंने कहा अब नहाओ, तुमने कपड़े गंदे कर लिए हैं सारे. फिर यह काफ़ी देर तक बच्चे नहाते रहे हैं, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया. मैंने ये जो पौधे हैं ये आपको दिखा रही थी, ग्रीनरी कितनी अच्छी और थी और पुदीना तो माशाल्लाह इतना अच्छा हो रहा है छत पे. मेरा यही है कि ये तमाम पुदीना जो है ना अब मैं कल कटिंग करूँगी ना तो फिर संडे के व्लॉग में आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊँगी कि मैं इकट्ठा करके ऐसे ही ये जो काफ़ी सारा हो जाता है मैं फिर इसको इकट्ठा करके इसमें मैं पुदीने की और अनारदाने की चटनी बना कर रख लेती हूँ ना सिरका डालकर, तो 1 वीक चल जाती है ईजिली ना, मुझे फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अच्छा, इधर बच्चों ने बारिश के बाद जो है फिर मुझसे फरमाइश की कि हमने शवरमा खाना है. असद ले आया था बाज़ार से शवरमा, तो फिर माहीन लोगों को भी हुआ कि हमें भी मंगवा कर, नहीं तो असद लाया कहता मार्केट मामा दूर है मैं नहीं जाता. फिर मैंने ये है कि मैदा क्योंकि पिज़्ज़ा बनाया था, पिज़्ज़ा सॉस पड़ी हुई थी तो फिर मैंने सिर्फ जो है शवरमा की सॉस वाइट सॉस बना कर और फिर जो है ना इनको झटपट जल्दी से मैदा गूंद को आटा गूंदा है मैदे का और फिर इनको शाम ने सपारा पढ़ के आए तो बच्चों ने कहा कि हमें कुछ बना कर दें. फिर माही लोगों को फिर बच्चियों को तो फिर मैं नहीं देख सकती थी, फिर मैंने उनको थोड़ा सा यह कि तुम मैंने कहा आप सपारा पढ़ने के लिए जाओ तो मैं इतनी तैयार करके रखूँगी आपके लिए शवरमा. यह है कि सब कुकिंग अगर आती हो ना तो इंसान कभी भी नहीं मार खा सकता, इसीलिए कहते हैं कि अगर महंगाई लाख महंगाई होगी हमारा एहसास नहीं कर रहे तो फिर यही है कि अब हमें घर की या मूरे खानदारी जिन औरतों को आती है तमाम हमारी जो जितनी भी माएँ और बहनें वो अपनी समझदारी से अपने जो आप हमारे घर के कमाने वाले अफराद हैं उनकी तनख्वाहों को आप लोगों ने खुद मैनेज करना है. अपने घर को अब कैसे आप लोगों ने के बजट को कैसे कंट्रोल करना है ये आप लोग अब खुद अपनी समझदारी से करेंगे, क्योंकि हर चीज़ को महंगाई को इतनी आग लगी हुई है कि बाज़ार में जाओ तो हस्बैंड साहब का यही गिला है कि बहुत महंगाई हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है, तुम खर्चे को कंट्रोल करो, बहुत ज़्यादा खर्चा करने लगे. तो फिर ये है कि फिर अब हमें घर की जो जितनी भी औरतें हैं हम लोगों को खुद ही अपने मियाँ और बीवी होती है जो अपने घर का के बजट को बैलेंस में रख लाती है, कैसे ये फिर अपनी यही एफर्ट होती है कि अच्छे घर घराने की और के आप लोगों को अपने घर को कैसे मजबूत और अच्छा बनाएंगे. तो फिर ये है कि फिर हस्बैंड को भी साथ देना पड़ता है और बीवी को भी, फिर ये है कि फिर थोड़ा बहुत मैनेज हो ही जाता है. अब जैसे महंगाई हो रही है तो इसमें तो मियाँ और बीवी दोनों ही को एक स्टैंड लेना पड़ेगा और अपने घर का जितना भी बजट है उसको फिर अपनी जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी है उनको का एक बनाना पड़ेगा बकायदा मेन्यू कि आप लोगों ने अपने बजट को कैसे लेके चलना है, क्योंकि महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है. इस ये तो हर बंदे का ही गिला है, जो बंदा भी मिलता है वो यही कहता है कि पेट्रोल महंगा हो गया, ये हो गया तो वो हो गया, तो फिर ये कैसे करना है आप लोगों ने ये आप लोग खुद जानते हैं. अब जैसे देखें मैंने ये मंगवा लिया था बाज़ार से असद लाया है तो फिर मुझे अब ये है कि बनाना आता था तो फिर मैंने बच्चियों को बना कर दे दिया. ये कि बहुत मज़ा का बहुत टेस्टी बने इनके, मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि वाकई बाज़ार से भी ज़्यादा बहुत टेस्टी लजीज बने. अच्छा, ये है जो है कि हर चीज़ रखी हुई हो ना अगर घर में मंगवा कर तो फिर मायोनीज़ ये है कि घर में बन जाती है, स्प्रेड घर में बन जाता है, घर में अगर आपको बनानी आती ना तो चीज़ आप बना लेते हैं. तो मैंने झटपट ये चीज़ें निकाली या फ़ौरन बच्चियों को बना कर दिया. मैं किसी के मोहताज तो नहीं था कि बच्चे को सबको मैं मिलते करूँ वो बाज़ार जाएगा, तो फिर मैंने ऐसे बना दिया था. बस ये आज की मेरी आज की रेसिपी इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ शर्मा की. तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़.